हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बल्ब्स का अपडेट। बल्ब वाले प्लांट जो हमने लगाए थे, बल्ब्स लगाए थे, उनका अपडेट मैं लेके आई हूँ। कुछ इस तरह से हमने बल्ब्स को रेडी किया था, जो आप सामने देख रहे हो। ये पूरा वीडियो मेरे चैनल पे है, मैंने शेयर किया हुआ है 20 से 25 दिन पहले। आज मैं इसका अपडेट दिखाऊंगी आपको कि हमारे बल्ब किस कंडीशन में है, किस तरह से वो ग्रो हो रहे हैं और किस तरह की उनमें ग्रोथ नज़र आई है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारे कौन कौन से बल्ब अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ है हमारे बल्ब वाले प्लांट का अपडेट और सारे ही बल्ब हमारे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। कुछ कुछ बल्ब में स्प्राउटिंग अच्छे से हो गई है और कुछ कुछ में बिल्कुल भी स्प्राउटिंग नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ बल्ब जल्दी ग्रो हो जाते हैं, कुछ लेट ग्रो होते हैं। बल्ब जो मैच्योर होते हैं उनमें जल्दी स्प्राउटिंग और फ्लावरिंग नज़र आती है, लेकिन जो बल्ब छोटे होते हैं उनमें लेट फ्लावरिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ हैं जो जिनमें बिल्कुल भी स्प्राउटिंग नज़र नहीं आई है, वो काफ़ी छोटे छोटे से बेबी बल्ब्स थे, इसीलिए वो अभी ग्रो नहीं हो पाए हैं ठीक से, लेकिन बाकी जो है अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और आगे दिखाऊं तो एमरेस लिली में बहुत ही जल्दी बडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब भी हम एमरेस लिली के बल्ब लगाते हैं तो आपको करीब 1 वीक के अंदर ही उसमें स्प्राउटिंग नज़र आ जाएगी और सीधा बर्ड्स का जो स्टॉक निकलता है उनका, वो निकल के और डायरेक्ट फ्लावरिंग हो जाती है। पत्तियाँ इनमें बाद में आती हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर खिल गए हैं हमारे 25 दिन के अंदर। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर, और इसके फ्लावर 4 डिफरेंट साइड में खिलते हैं। देखिए एक दूसरे के अपोजिट में खिले हुए हैं और अभी भी इसमें बडिंग बनी हुई है, बर्ड्स बनी हुई हैं, वो भी यहाँ से खिलेंगी। तो एक स्टॉक पे 4 से 5 फ्लावर आ जाते हैं। लास्ट ईयर मैंने शेयर किया हुआ है वीडियो, उसमें एक साथ 5 फ्लावर थे। तो देखिए यहाँ पर और भी काफ़ी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं और काफ़ी अच्छी जो है बडिंग हमारे एमरेस लिली के सारे बल्ब्स में बनी हुई हैं। सारे ही बल्ब्स मैच्योर थे और 2-2, 3-3 बल्ब एक साथ लगे हुए थे, उनमें अच्छे से बडिंग स्टार्ट हुई है। ये देखिए एक ही बल्ब में 2 बार स्टॉक निकलने को रेडी है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो काफ़ी जल्दी जो होते हैं एमरेस लिली अपना रिज़ल्ट दिखाते हैं। आप और कोई नहीं तो एमरेस लिली के बल्ब तो ज़रूर ट्राई करिए, काफ़ी बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। मेरे पास एक ही कलर है और एक ही कलर के मेरे पास पिछले साल से इस साल काफ़ी सारे बल्ब मल्टीप्लाई हो चुके हैं। एमरेस लिली के जो फ्लावर होते हैं वो खिलने के लिए तो फुल सनलाइट में ही खिलते हैं, लेकिन जब ये अच्छे से खिल जाएँ तब आप इन्हें सेमी शेड में रख दें तो ये जो फ्लावर होते हैं काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। इन पे अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल पे डला हुआ है लास्ट ईयर का वीडियो, आप उसे वॉच करिए कि किस तरह का इन्हें फर्टिलाइज़र चाहिए होता है और किस तरह से इनकी केयर करते हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, जहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो में पहुँच जाओगे। अब मैं आपको कुछ और दिन का अपडेट दिखा रही हूँ। देखिए कुछ और दिन बाद बाकी जो हमारे बल्ब थे उनमें भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ नज़र आने लगी। जिनमें स्प्राउटिंग नहीं हुई थी उनमें भी अब स्प्राउटिंग नज़र आ रही है, और हमारे कुछ कैलेडियम के भी बल्ब मैंने एक ही साथ लगाए थे उनमें भी अब अच्छे से पत्तियां निकल आई हैं, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ आगे। तो देखिए सारे ही पॉट में अब स्प्राउटिंग हमें नज़र आ रही है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो तो आगे पीछे थोड़ा थोड़ा सब में ही है। ये देखिए कैलेडियम है और पोल्का डॉट करके, और ये देखिए इनमें भी छोटी छोटी सी स्प्राउटिंग है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए। तो कुछ बल्ब जल्दी ग्रो होते हैं और कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन हो जाते हैं। ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कैलेडियम का, और यहाँ पे भी एक हमारा एमरेस लिली है जिसमें डायरेक्ट बर्ड बनी हुई है। और ये देखिए आज बहुत ही खूबसूरत रोज़ खिला है, अगेन उस रोज़ प्लांट पे जिसका मैंने अपडेट वीडियो अभी अभी शेयर किया हुआ है। तो होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।